लिए थे, दो तरह के ग्राफ देख लिए थे ना, तीसरी तरह का ग्राफ देखते हैं, आ जाओ तीसरा। तीसरे के पास में हम लोग जैसे ही आए तो हमें एक ग्राफ दिखा नई तरह का, ये था एक्स और ये क्या था बच्चों, टी। एक्स वर्सेस टी ग्राफ था, पर इस बार एक नई कहानी हुई। कहानी क्या थी इस बार? ऐसे जा रहा था, कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? बताओ ये क्या है, कोई पॉइंट एक्स नॉट, और ये क्या है, कोई टाइम टी वन। चल टी नॉट मान लेते हैं, तू कहता है तो इसे क्या मान लिया बच्चों, टी नॉट। बोल इसको देख के क्या कमेंट कर सकता है, जल्दी बोल क्या कमेंट कर सकता है। रिटार्डेशन। अरे एक्सटी ग्राफ से रिटार्डेशन पे नहीं, सबसे पहले वेलोसिटी पे कमेंट करो। बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं? नहीं है। सबसे पहले एक काम कर, तू इसके अंदर अगर कमेंट देना चाहता है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दे, ठीक है बेटा। क्या मैं इनिशियली किसी एक्स नॉट पे था? ये क्या है, टी इक्वल्स टू जीरो। टी जीरो पर मैं कहा था, एक्स नॉट पे। बोल था कि नहीं? टी जीरो पर मैं कहा था किसी एक्स नॉट पे। क्या टी इज इक्वल टू टी नॉट पे मेरी पोजीशन जीरो हो गई? नहीं देख पा रहा। टी इज इक्वल टू जीरो पे कहा था एक्स नॉट, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे क्या हो गया, जीरो पर आ गया। मतलब कि देखना ध्यान से एक चीज और, स्लोप डाल के देखें, स्लोप बनाऊं, थीटा, थीटा दिख रहा है तेरे को? सारे थीटा बराबर हैं या अलग हैं? क्या ये ग्रेटर देन 90 भी नजर आ रहा है तुझे? ग्रेटर देन 90 अगर 10 थीटा होगा तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, क्या देती है? वेलोसिटी। अरे भूल गए क्या? कल ही तो बताया था स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होगी, डीएक्स बाई डीटी। और डीएक्स बाई डीटी क्या होती है? वेलोसिटी। यार भूल गए। अरे याद करो, याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। कुछ कुछ याद आ रहे? तो हमने यहां पर क्या बोला, वी इज इक्वल टू क्या होती है, डीएक्स बाई डीटी, और वो यहां पर कैसी है बच्चों, नेगेटिव। बोलो है कि नहीं? अरे वेलोसिटी नेगेटिव दिखी, मतलब अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या टी जीरो पे पार्टिकल एक्स जीरो पर है? यार बोल, टी जीरो पे पार्टिकल कहां है? एक्स जीरो पर। कहां जा रहा है वो? नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है कि नहीं? पर ध्यान से देख, यहां पे टी जीरो पे एक्स जीरो है क्या? यहां पर टी जीरो पे पार्टिकल कहां मौजूद है? एक्स नॉट पे। बोल है कि नहीं? तो क्या मैं यहां से कहानी शुरू करूंगा, एक्स नॉट पे मौजूद है? बोल है? नहीं समझ में आ रहा? पार्टिकल टी जीरो पर कहां पे है बच्चों? एक्स नॉट पे। बोलो है कि नहीं? ये क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो। अरे यार बोल ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तेरे को? टी जीरो है ना ये, और कहां मौजूद है पार्टिकल? टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ने मोशन चालू किया। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? क्या ये पार्टिकल यहां जा रहा है? वेलोसिटी कैसी? नेगेटिव। बोलो सही है क्या? नहीं समझ आ रहा? और बेटा यहां पर जब वो आया तब उसकी वेलोसिटी तो क्या थी? वही जो यहां पर थी। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? थीटा सारे सेम है ना बेटा? तो वेलोसिटी कैसी है यहां पे? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसी हो गई हमारे पास? कांस्टेंट। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा, और किसी टी नॉट पर उसकी पोजीशन क्या हो गई बेटा? जीरो। यानी ये कौन सा टाइम है? टी नॉट। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आया बेटा? किसी टी नॉट टाइम पर क्या जीरो हो गया? अभी टी नॉट टाइम पर पोजीशन देखना क्या है? जीरो है ना। तो नेगेटिव में चलता हुआ आया, एक्स नॉट से चला था। कहां से चला था? एक्स नॉट से चला नेगेटिव वेलोसिटी के साथ में, और टी नॉट टाइम पे कहां पहुंच गया? जीरो। बात खत्म। क्या तुझे समझ में आया इस कहानी का अंत यहां पे? क्लियर है सबको? चलो अगला देखो, चौथा देखते हैं, अभी छापने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ। क्या हुआ? क्या इससे मिला क्या मतलब? आंसर क्या है? तो एनालिसिस है अपना ग्राफ का, मिलता क्या है? वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से मिलता क्या? क्या हाँ, नेगेटिव वेलोसिटी है, उसमें पॉजिटिव थी ना बेटा? उसमें पॉजिटिव थी, कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन जीरो था। यहां पर कैसी वेलोसिटी है? नेगेटिव है, कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वापस से एक्सेलरेशन जीरो, बस। और क्या, सारी चीजें पता लगा ली। एक्सेलरेशन यहां भी क्या है?
जीरो है। हर चीज से कुछ मिले वो जरूरी थोड़ी है। एनालिसिस कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं हम ग्राफ का एनालिसिस कर रहे हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए चौथा करके देखते हैं, आ जाओ। X वर्सेस T, बताओ भाई क्या हो रहा है? कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा? कोशिश करो, मैं क्यों डालूं, खुद डाल, स्लोप तो डालो। अबे खुद से बता कितनी स्लोप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव स्लोप है, सबको दिख गया। पार्टिकल रेस्ट पे था, T इज इक्वल टू जीरो पे। T जीरो पे कहां था? X जीरो पे। सबको दिख गया पार्टिकल T जीरो पे कहां था? X जीरो। ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट कौन सा है? जीरो जीरो। जब T जीरो था तब एक्स भी कितना था? जीरो। सबको दिखा? अब ये पार्टिकल किधर जा रहा है, नेगेटिव X में या पॉजिटिव X में? नेगेटिव X या पॉजिटिव X? नेगेटिव X। अगर ये नेगेटिव X में जा रहा है, मतलब नंबर लाइन पे बनाओ, आ जाओ, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है कि नहीं? ये टाइम क्या है बेटा? T इज इक्वल टू जीरो और X इज इक्वल टू जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी देख जरा कैसी है, स्लोप डाल ले, है कि नहीं? थीटा दिख गया तेरे को ग्रेटर देन 90? नहीं दिखा? थीटा दिखा ग्रेटर देन 90 है दोनों में, है कि नहीं यार? अबे बस सीधी लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल, और क्या कर देना है, एंगल नाप लेना है। क्या ग्रेटर देन 90 आ गया? हमेशा एंगल कैसे नापने, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे नापने? एंटी क्लॉकवाइज। जानता है कि नहीं? थीटा क्या आ गया? ग्रेटर देन 90 आ गया। जैसे ही मैंने देखा कि थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो मेरे मन में क्या ख्याल आया, टेन थीटा क्या हो गया? नेगेटिव। और स्लोप क्या होती है एक्सटी ग्राफ की? वेलोसिटी। अबे टेन थीटा ही तो स्लोप होती है, और वही क्या होगी एक्सटी ग्राफ की? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई? नेगेटिव। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आई? अरे वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। तो इसमें हम लोग क्या क्या कमेंट कर सकते हैं बोलो? पार्टिकल T इज इक्वल टू जीरो पे कहां था? X इज इक्वल टू जीरो पे। उसकी वेलोसिटी कैसी थी? नेगेटिव। क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? बदल रही है क्या? सेम है, यानी कि नेगेटिव एंड कांस्टेंट। बोलो समझ में आया? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू जीरो। बोल तेरे को कुछ कुछ आया? अरे बोल यार। पार्टिकल पॉजिटिव X में जा रहा है नेगेटिव X में? पॉजिटिव X में आ रहा है नेगेटिव X में? नेगेटिव X। तो अगर मैं जीरो से शुरू करूंगा और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो क्या मैं नेगेटिव X में ही जा रहा हूं? वही तो यहां से पता लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहां पे क्या बोल देंगे, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन प्लस, सॉरी, नेगेटिव X डायरेक्शन माइनस X डायरेक्शन। बोलाया समझ में आया कि नहीं? इन दोनों को छापो, आगे के बता रहा हूं। पांचवा देखो, कुछ लोगों ने अभी अभी मेरे को बोला कि सर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी, तो उनके लिए खास आइए मेहरबान कदरदान साहिबान, ये क्या है X और ये क्या है T। चलो इसको जल्दी से चेक करना सीख लो, बढ़िया चीज है, आ जाओ। इसे अगर चेक करना आ गया तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवाज सबको आ रही है ना? आवाज सबको आ रही है? चलो इसे अगर हम लोगों ने चेक करना सीख लिया तो जीवन में हम लोग कभी नहीं रहेंगे। आइए देखिए सभी लोग ध्यान से, एक पॉइंट पकड़ो, दो पॉइंट पकड़ो, तीन पॉइंट पकड़ो। पकड़ पा रहे हो? अरे पकड़ पा रहे हो? तीन पॉइंट पकड़े और तीनों पे क्या डाली बच्चों? स्लोप। तीनों पे डाली टेंजेंट या फिर स्लोप, जैसा तुम बोलना चाहो। सभी को दिख रही है? तीनों पॉइंट पे स्लोप दिख गई। आइए टेंजेंट डालना तो आता है ना? टेंजेंट क्या होती है? जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे काटे। दो पॉइंट वाली सबको याद है? तीन पॉइंट वाली? अच्छा ऐसा कर्व आ रहा है अगर हाँ चलो देखो टेंजेंट बना ली, अब इसकी स्लोप चेक करते हैं। देखो थीटा वन, थीटा टू,
थीटा थ्री। जल्दी बोल, थीटा वन बड़ा थीटा टू या थीटा थ्री? कौन सबसे बड़ा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन? बोल सही है क्या? करेक्ट एकदम। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो एक चीज बता, टेन थीटा इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है? जीरो से नाइन्टी जाते हैं तो जीरो से इनफाइनाइट जा रहा होता है? इंक्रीजिंग होता है? थीटा के साथ बढ़ रहा होता है घट रहा होता है? बढ़ रहा होता है। मतलब कि क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि टेन थीटा थ्री इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन? अरे बोल दे। और टेन थीटा है क्या बेसिकली? वेलोसिटी, इसका स्लोप और एक्सटी ग्राफ की वेलोसिटी। बोल है कि नहीं? क्या मैं बोल सकता हूँ वी थ्री ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी वन? मतलब क्या वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है? वेलोसिटी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? क्या आप लोग देख पाए? नहीं समझ में आया? ये थीटा सबसे छोटा है या उससे बड़ा है? उससे भी बड़ा। बोल है कि नहीं? अगर टेन थीटा वन सबसे छोटा है जो हमें यहां से दिख रहा है तो क्या वी वन सबसे कम होगी? वी टू उससे ज्यादा और वी थ्री सबसे ज्यादा? बोलोगी कि नहीं? तो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सबको दिख गया? क्यों? क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी इंक्रीजेस और है कैसी बेटा? पॉजिटिव। क्या कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब कि क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि दिस मोशन इज एक्सीलरेटेड? अरे बोल सकता हूं ना यार? नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है नेगेटिव एक्स में? सबको दिख गया? बनाया क्या अभी? रुक जा, सब आएगा। पहले जो बता रहा हूं वो देखता जा, एक एक करके सारे आएंगे बेटा। रुक जा, मैं कोई भी केस नहीं छोड़ूंगा, तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिलेगा इंतजार के बाद, ठीक है? हैव सम पेशेंस। बढ़ा देना और ऊपर लेगा तो फिर तो फ्री फॉल ही हो जाएगा। टोई छोड़ दिया, ठीक है? और देखो इधर, पहले आ जाओ, आ जाओ, अभी मत छापो, इधर देखो जल्दी से, इधर देखो, पीला पीला कहां है ये रहा। एक्स वर्सेज टी, चलो भाई स्लोप डालो और बताओ क्या हो रहा है। तीन पॉइंट पकड़ लो कोई भी, तीन पॉइंट पकड़ो, एक दो तीन। नेगेटिव आएगा? ओह माय गॉड, नेगेटिव पक्का? दिख गया तुम्हें? आओ चलो स्लोप डालें, स्लोप स्लोप स्लोप। ये डाली स्लोप पहली, ये डाली स्लोप दूसरी, ये डाली स्लोप तीसरी। अरे सबको दिख रहा है? आओ चलो देखें, यहां पर थीटा निकाल पाओगे कितना आ रहा है बेटा? क्या थीटा वन बोल लूं, इसको थीटा टू बोल लूं, इसको थीटा थ्री बोल लूं? अरे एक बार इधर देख ले, ऐसे बोल सकता हूं क्या? मैं देख सकता हूं कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री? बोल है कि नहीं? अब ध्यान से देख, इसको समझने का तरीका मैं तेरे को बता देता हूं, डोंट गो बाय द मेथड ऑफ टेन थीटा। हमें क्या करना है सुनो, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे जीवन की। देख भाई, अपन क्या करते हैं कि इसे ऐसा मान लेते हैं, स्लोप का मतलब फिसल पट्टी मान ले, फिसल पट्टी स्लोप ही तो होती है। तो ऐसा करो, एक बार यहां बैठ जाओ, अरे रुक, इधर देख ले ध्यान से, गेंडे पे मत जा नहीं तो तू फंस जाएगा। इधर देख, एक बच्चे को यहां बिठा दिया, और देख एक बच्चे को बेटा यहां बिठा दिया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं तीन अलग अलग बच्चे? ध्यान से देख, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आज समझ आ गया, जीवन भर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख ले, चल भाई ध्यान से देखना इस फंडे को, जल्दी से सोच, ये तेज गिरेगा, ये तेज गिरेगा, ये तेज गिरेगा, सबसे तेज कौन गिरेगा? अबे ये गिरेगा ना, या ये गिरेगा? एक तो मैं यूं गिर रहा हूं, एक मैं यूं गिर रहा हूं, कौन तेज गिरेगा? क्या ये वाला? पक्का पक्का?
अरे वो वाला मत कर, ये वाला। अरे पक्का है ना? तो बोल सबसे ज्यादा वेलोसिटी भी किसकी? इसी वाले की। क्या यहां पर, अरे चुप रहे, वी थ्री ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी वन? अरे है कि नहीं? पर क्या यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है? क्या यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि दिखा तेरे को, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। अच्छा कांस्टेंट है क्या? बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। बेटा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। बेसिकली अगर अपन इसे टेन थीटा की टर्म्स में देखते तो यहां वैल्यू आ रही होती -4, एग्जांपल ले रहा हूं, यहां आ रही होती -5 और यहां आ रही होती -6। अब जल्दी बोल, -4 बढ़ा के -5? -4 बढ़ा है। पर क्या माइनस का साइन किसी भी वेक्टर में सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है? अरे बताता है कि नहीं? मैग्नीट्यूड क्या है? 4 बढ़ा के 5। तो क्या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन? अरे भाई -4 बढ़ा के -5, -5 बढ़ा के -6, -6। मैग्नीट्यूड से देख, किसको देखना है? मैग्नीट्यूड से, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा? 4, 5, 6, कौन ज्यादा? मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। कौन सी डायरेक्शन में? तो हमने क्या बोला, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? थोड़ा बहुत समझ में आया? ये तो दिख गया ना, बच्चा जो है वो यही वाला सबसे तेज गिरेगा। अरे दिखा के नहीं? तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी घट रही होगी? बढ़ रही होगी। बात सीधी सीधी है, तेरे को समझ में आया कि नहीं? अरे बोल यार। तो वेलोसिटी बढ़ रही है कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव। एक्सेलरेशन पे कमेंट बोलो, है कि नहीं है? एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड। अबे वेलोसिटी बढ़ रही है ना, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। तो हमने यहां पर क्या बोला, वी एंड ए आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन भी क्या नेगेटिव रहा होगा? एक्सेलरेशन भी कैसा रहा होगा? नेगेटिव। तो ये वाला मोशन कैसा हुआ बच्चों? एक्सेलरेटेड। ये मोशन कैसा हुआ बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या आप लोग समझ पाए? अरे यार बोल ही नहीं रहे, आया कि नहीं? क्या बेटा यहां से? चलो आ जाओ, सातवां देखते हैं, आ जाओ जल्दी से। बताओ भाई क्या हो रहा है? पहले एक्सेलरेशन फिर डेसिलरेशन, ऐसा बोल रहे हो? Yes, आओ चलो, तुम्हारी बात को गलत प्रूव तो मैं करूंगा। आइए, नहीं मुझे पता है, मतलब तुम लोग पहली बार में तो सब गलत ही करते हो। आ जाओ। हाँ आप कुछ बोलना चाह रही है बोलिए। नहीं बोलना चाह रही? नहीं आज आप नहा के आई है, आप कुछ भी बोल सकती है। चलो आ जाओ बच्चों, देखो ऐसा करते हैं, तीन पॉइंट पकड़ लेते हैं हमेशा की तरह। जब भी कोई कर्व मतलब अजीब सा दिया हुआ हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो क्या करो, तीन पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट। पकड़ लिए? चल इसके आगे के भी दो पॉइंट पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट और दो पॉइंट। देख पा रहे हो? अरे पॉइंट पकड़ लिए? इन वाले पॉइंट के ऊपर फिसल पट्टी बना ली जाए। बोलो भाई, बन गई फिसल पट्टी? सबको दिख रही है? कोई बात नहीं, नहीं भी दिख रही तो भी बेटा अपनी आंखें खोल के देखो, चश्मा लगा के देखो। आओ, नहीं मैं अपना नहीं दूंगा,
देख देख क्या हमें स्लोप डालनी चाहिए थीटा वन। अरे एज यू विश मत कर, इधर देख। चलो बेटा मजाक ही करता रह जाए, कुछ समझ नहीं आएगा। इधर देख ले एक बार सीरियसली। चलो भाई ये क्या हो गया आपका थीटा टू, ये कुछ है क्या जीरो डिग्री। अच्छा ये मान लो बच्चों थीटा थ्री, ये मान लो क्या थीटा फोर। कोई दिक्कत किसी को? पक्का सबको दिख रहा है बच्चों? सभी लोग देख पा रहे हैं? आओ भाई थीटा वन बड़ा के थीटा टू, थीटा वन बड़ा। अच्छा मुझे लगता है तुम लोगों ने बच्चा बिठा लिया होगा ऊपर, ऐसे देखो इस बच्चे को बिठाओ और फिसलाओ यहां से भी और यहां से भी। बोल ऐसे फिसला सकते हैं? ऐसे फिसला सकता हूं ना? बता थीटा वन वाला तेजी से आएगा थीटा टू वाला? थीटा वन वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी, थीटा टू वाले की कम होगी। और जिसको मैंने यहां बिठाया वो तो बैठा रह जाएगा। सुन ले बातें नहीं, इधर अगला वाला बोलो, अगला वाला और इसके अगला वाला जल्दी से बताओ बेटा। फोर वाला तेजी से आएगा, थ्री वाला धीरे धीरे आएगा, क्या यहां वाला आएगा ही नहीं? यहां वाला तेज या यहां वाला तेज? वन वाला तेज। बोल आएगा कि नहीं? मतलब कि यहां से लेके यहां तक जाते जाते यहां वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां वेलोसिटी कम थी, और यहां वेलोसिटी जीरो। आप लोग देख पाए? ये तो रिटार्डेशन हो गया, नहीं दिखा? क्या हुआ बच्चों? ये रिटार्डेशन। हाँ बेटा तेरी तो बात ही अलग है, तेरे ऊपर थोड़ी कमेंट कर रहा था, तो जनरल कमेंट कर रहा था। आप पुरुष थोड़ी, आप तो महापुरुष है ना? चलो इधर आओ, अरे इधर दे। चलो अरे यार अब देख ले जल्दी, अरे देख। हाँ तो क्या मैं कह सकता हूं कि वी वन यानी कि जो थीटा वन पे है इट इज ग्रेटर देन वी टू? अरे बोल यार है कि नहीं? और अगर मैं इस वाले पॉइंट को एक नाम दे दूं पॉइंट ए, क्या नाम दे दूं? पॉइंट ए। तो क्या बच्चों ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है? याद कर जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती थी वहां पार्टिकल पलटता था, वहां पार्टिकल पलटता था। मतलब ये पॉइंट कौन सा है? क्या दिस इज योर पीपी? अरे यार अगर ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी। बोलना मत कुछ भी, मेरी बात सुन ले। अगर मैं ओ से लेके ए तक के मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, ओ से लेके ए तक, तो क्या वी वन जो है वो वी टू से बड़ा है? अच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री। बोला है कि नहीं? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब कि वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, और थीटा कैसा है 90 डिग्री से कम तो वेलोसिटी पॉजिटिव। बोलोगी कि नहीं? यानी वी वन बड़ी है वी टू से क्योंकि टेन थीटा वन बड़ा था टेन थीटा टू से। बोल था, समझ में आया सबको? चलो क्या धीरे धीरे यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी जो है वो घट रही है? और ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई? तेरे को दिखा? मतलब क्यों यहां पर? क्योंकि स्लोप भी क्या था बेटा? जीरो। ए पॉइंट पर स्लोप क्या था? जीरो। और जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पल्टी पॉइंट। अरे बोल कहलाएगा कि नहीं? यार एक तो बोलता नहीं है। बोल सही है? अरे इसमें कोई दिक्कत? अब सुन आगे, सुन आगे की कहानी सुन ले। क्या मैं कह सकता हूँ ओ से लेके ए तक का मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? वेलोसिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? सबको दिखा जब जब वेलोसिटी घटेगी तब तब मोशन कैसा होगा? रिटार्डेड। तो हमने कहा ओ से लेके ए का जो मोशन है वो कैसा है बच्चों? रिटार्डेशन। बोलो है कि नहीं? अरे पक्का बोल यार। आजा अब ऐसा करते हैं ए से लेके बी के मोशन को एनालाइज करते हैं। ए से लेके बी, ए से लेके बी की जब हम लोगों ने बात की तो बोलो आपकी बार क्या बोलेंगे? बता थीटा थ्री बड़ा के थीटा फोर? थीटा फोर बड़ा? थीटा फोर बड़ा? बड़ा तो थीटा थ्री है, नहीं देखा तेरे को? पर जब हमने फिसल पट्टी बनाई तो हमने क्या देखा? थीटा फोर क्या कर रहा है? थीटा फोर पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है? ज्यादा है। अरे यार ज्यादा है ना? तो क्या वी फोर इज ग्रेटर देन वी थ्री? मतलब हमने क्या बोला? वी फोर इज ग्रेटर देन वी थ्री। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है?
बढ़ रही है। यहां वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वेलोसिटी, बोलो ठीक है। नहीं, यहां वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या नेगेटिव में बढ़ रही है? क्या नेगेटिव में बढ़ रही है? क्या ये वैसे ही ग्राफ है जो अभी हमने देखा था? देख पा रहे हो, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग वाला है। तो हमने यहां पर क्या बोला, वी फोर इज ग्रेटर देन वी थ्री एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज इन द कौन सा डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन। बोलो क्या ये बात बोलना सही होगा? तुम लोगों को समझ में आया बच्चों? वेलोसिटी बढ़ रही है पर कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव। और क्या ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते अपने मोशन को कंटिन्यू कर रहे? ध्यान से देख, इस वाले पॉइंट पे तेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। देख पा रहे? इस वाले पॉइंट पे तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। नहीं देखा? अभी भी नहीं देखा? अरे भाई जीरो है ना ये, एक्स तो ऊपर बढ़ रहा है। एक्स कहां बढ़ रहा है बेटा? ऊपर को। मान ले अगर ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमने बोला एक्स नॉट, तो ये जीरो नहीं है क्या? अबे ये जीरो नहीं है क्या? एक्स की टर्म्स में जीरो नहीं दिखा? पर क्या बेटा समय बढ़ता जा रहा है? क्या समय के साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर वापस घटा और एक समय पर जीरो हो गया? मतलब क्या कुछ ऐसी कहानी कि मैं गाड़ी चलाता हुआ अपने घर से निकला, अपने घर पे लौट के आया और उसके बाद में अपने घर से पीछे चला गया? नहीं समझ में आया? यही तो हो रहा है। इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहां पर ये समझ में आ गया, वेलोसिटी इंक्रीज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्सेलरेटेड था। कैसा था बच्चों ये? एक्सेलरेटेड। अब देख इसे नंबर लाइन पे बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसकी जो की है अगर मैं वो बोलू नंबर लाइन पे तो देख कैसी होगी, जल्दी से देख समझने की कोशिश करना। इनिशियली मुझे ये बता मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं या नेगेटिव? पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव? सबको दिख गया? अरे एक्स पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी कैसी है? पॉजिटिव, यानी आई एम मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, मैंने मान लिया कोई वी वेलोसिटी के साथ जा रहा था। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। घट रही है? घट रही है। अरे घट रही है यार, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? मान ले ये वाला कोई टाइम जो है, दिस इंस्टेंट इज टी नॉट, क्या इंस्टेंट वन है इसे, और इसको मान लिया कोई टी वन। ठीक है, तो टी नॉट के ऊपर क्या हो गया? टी नॉट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? जीरो। और यही क्या हुआ? पल्टी पॉइंट। बोल हुआ कि नहीं? यही क्या हुआ हमारा? पल्टी पॉइंट, यानी पार्टिकल सीधा गया यहां तक और यहां से क्या वो पलट गया? क्या इस डायरेक्शन में पलटा? पलटते ही देख वेलोसिटी नेगेटिव हो रही थी ना, वेलोसिटी धीरे 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 क्या हुई ये पर जीरो, और जीरो होने के बाद में क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई? ये देख नेगेटिव डायरेक्शन में। बोला आया कि नहीं? देख जरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? नहीं दिखा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, टाइम टी वन। टाइम कितना? टी वन। ये कितना टाइम था बेटा? टी वन टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। आगे देख, यहां रुका क्या? यहां रुका क्या? नेगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ में पीछे की तरफ चलता रहा, पीछे की तरफ चलता रहा। अबे नेगेटिव एक्स आ गया ना, एक्स नेगेटिव हो गया ना नीचे, नहीं हुआ? सबको दिखा एक्स नेगेटिव, मतलब कि अब नेगेटिव एक्स में चल रहा है। बात खत्म, बन गया इसका डायग्राम। देख पा रहे टी वन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था बच्चों? जीरो। एट टी वन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बोलिए समझ में आया? उतार लो, आओ जल्दी से देखो ग्राफ नंबर एट। आइए चलो जल्दी से, एक्स वर्सेस टी उसी तरह से इसको करते हैं। ओ ये कौन सा पॉइंट बच्चों? ए, और ये कौन सा पॉइंट? बी। चलो करके दिखाओ क्या हो रहा है, सोचो एनालाइज करने की कोशिश करो जल्दी। ए तक रिटार्डेड बोल रहे हैं लोग। अच्छा ए तक एक्सेलरेटेड है, ए से भी रिटार्डेड है। सबको दिख गया? गलत जवाब। मुझे तो पता था तुम साले यही बोलोगे आज। देख इधर फिसल पट्टी तो बनानी है यार, फिसल पट्टी बनाओ, पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट और दो पॉइंट। हाँ
बहुत बढ़िया बेटा, आइए। क्या ये फिसल पट्टी? अच्छा, इस पॉइंट के लिए क्या बच्चों? ये फिसल पट्टी। और ए के लिए क्या बच्चों? ये फिसल पट्टी। ए के लिए फिसल पट्टी है क्या? ए के लिए तो बैठने की मस्त जगह है। चलो भाई, इधर के पॉइंट पकड़े, एक पॉइंट ये पकड़ा और एक पॉइंट ये दिखा क्या सबको? आओ चलो, स्लोप डालें। इधर डाली ये, इधर डाली ये, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर कुछ है क्या? आओ चलो, इधर डाली ये, इधर डाली ये, सबको दिखा। आओ भाई, देखते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा? देखो भाई, ओ से लेके ए तक फिसल पट्टी के ऊपर बैठे। फिसल पट्टी पर जब मैं बैठा तो मेरे मन में कुछ कुछ हुआ और मैंने क्या देखा? यहां तेज या यहां तेज? यहां तेज या यहां तेज? बेटा ऐसे तेज आएगा या ऐसे तेज आएगा? क्या ऐसे तेज आएगा? क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा है? तो क्या इससे तेज आऊंगा या इससे तेज आऊंगा? क्या इससे तेज आऊंगा? वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? अबे घट रही है बेटा। अरे रुक जा, अबे टाइम यहां से इधर बढ़ रहा है ना। ये पॉइंट पहले आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पहले, ये पॉइंट बाद में आएगा। तो बेटा इस पॉइंट को पहले देखूंगा, इसको बाद में देखूंगा? अरे देखूंगा ना। यहां वेलोसिटी ज्यादा, यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, सबको दिख गया? तो इस बार अगर मैं बोलूं ओ से ए तक के मोशन की बात की जाए तो बोल भाई क्या वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है? क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है। क्या आप लोग देख पाए? नेगेटिव है, पर क्या वो घट रही है? वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कैसी बच्चों? डिक्रीजिंग। अरे बोल यार, नेगेटिव है बट कैसी है? डिक्रीजिंग है। तेरे को समझ नहीं आया? मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। भाई जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तभी तो वेलोसिटी घटती है, जानता है ना? तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? तभी तो वेलोसिटी घट रही होगी। मैंने बोला मैं -5 से इधर जा रहा हूं और एक्सेलरेशन दे दिया +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वेलोसिटी पहले जीरो होगी ना? होगी कि नहीं? वही कहानी यहां पर है। वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा? यहां थी मान ले -10, यहां हो गई -8 और यहां क्या हो गई? जीरो। तो -10 ज्यादा के -8 मैग्नीट्यूड वाइज, किसके वाइज? मैग्नीट्यूड वाइज। क्या बेटा 10 ज्यादा है? तो 10 से 8 जा रहा हूं ना। अरे बोल दे यार, तो वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी कैसी थी? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? ए पॉइंट पर क्या कहानी हुई बेटा? ए पर क्या हो गया? वेलोसिटी इज जीरो। एट ए क्या हो गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या? ए इज द पल्टी पॉइंट। ए हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? पल्टी पॉइंट। आपको नजर नहीं आया, सबको आया? यानी वेलोसिटी जीरो हुई तो ए इज हमारा पल्टी पॉइंट। अब ध्यान से देख, पलटने के बाद की कंडीशन देख भाई। यहां पे बच्चे को बिठा दें। अरे बोलो, ऐसे जाएगा धीरे धीरे? बोल जाएगा धीरे। और एक बार यहां पे बच्चे को बिठा दो, बोल कैसे जाएगा? तेज या धीरे? तेज जाएगा। इस वाले से तेज जाएगा? मतलब क्या? ए से लेके बी तक की जो कहानी है, कहां से कहां की? ए से लेके बी तक की कहानी, उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? बेटा ये थीटा बड़ा है, ये थीटा छोटा है, ऐसे देख ले, सबको दिख रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ए से बी वेलोसिटी एक तो कैसी हो गई? पॉजिटिव। बोलो हुई कि नहीं? वेलोसिटी कैसी हो गई? क्योंकि थीटा क्या है बच्चों? 90 से छोटा। अरे बोल यार, थीटा 90 से छोटा है, मतलब की वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एंड क्या बेटा? इंक्रीजिंग है, है कि नहीं? क्या एक्सेलरेशन पहले भी पॉजिटिव था? अगर पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन भी कहां रहा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा हो गया बच्चों? पॉजिटिव। जो पहले था वही अभी भी है। एक्सेलरेशन पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी कैसा है? पॉजिटिव। पहले वेलोसिटी घट क्यों रही थी? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव थी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? वही यहां पर हो रहा है।
क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलो इस इंस्टेंट पर क्या हुआ, इस इंस्टेंट पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर इस वाले इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो इसके बाद पार्टिकल रुका के चलता गया, हाँ भाई। तो मैंने क्या कहा, अगर ये वाला इंस्टेंट था बच्चों कुछ टी नॉट, कौन सा इंस्टेंट था ये, और ये इंस्टेंट था कुछ टी वन, क्या था बच्चों ये टी वन। अरे सुन ले, तो टी वन के ऊपर क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव रही है। टी वन पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव और बढ़ रही है। टी नॉट पे क्या हुआ था, वेलोसिटी जीरो, और क्या टी वन पे पार्टिकल रुका, क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है? तो चलो इसे नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं, आओ नंबर लाइन पे बनाया। कहां जा रहा है ये इनिशियली, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? अच्छा चालू तो ओरिजिन से ही हो रहा है, सबको दिख रहा है? ये मत पूछना सर ये शुरू कहां से हुआ था, ठीक है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में गया। ये आपकी वेलोसिटी, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन? यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। बोलो होगा कि नहीं? तो इनिशियली अगर मैं एक्सेलरेशन को डायरेक्शन दूं तो क्या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है कि नहीं? ये किसी टाइम कहां तक, टी नॉट तक, किसी टाइम टी नॉट तक कहां पहुंच चुका था, किसी माइनस एक्स नॉट पर। इसको ऐसे एक्सटेंड कर लें अगर, तो ये माइनस एक्स नॉट बोल लू ना, तो ये किसी टाइम टी नॉट पे कहां था बच्चों, माइनस एक्स नॉट। यार तेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, आ रहा है, ये ऐसे 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 चला और यहां पे पहुंचा। क्या दिस इज द इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हुई? क्या यही हमारा पल्टी पॉइंट है? यही क्या है हमारा पल्टी पॉइंट, यानी कि टी नॉट टाइम पर। क्या सब लोग देख पाए यहां से पलट के, क्या बच्चों अब ये दोबारा इधर आया? कितनी देर में यहां पर पहुंचा, क्या टी वन में? ये इंस्टेंट क्या हो गया, टी वन। बोल हुआ कि नहीं? यहां से यहां का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में। बोल तू देख पा रहे, यहां पर आके रुका क्या? नहीं रुका ना, ध्यान से देख, ये पॉजिटिव एक्स के अंदर आ गया। तो क्या इसके बाद में इसने अपना मोशन कंटिन्यू किया, किया कि नहीं? तो टी वन के बाद में द मोशन इज कंटिन्यूड। आप लोग समझ पा रहे हैं, बना लीजिए। अच्छा देख वीटी ग्राफ, अगर मैं वीटी ग्राफ की स्लोप की बात करूं, सोच के देख, डीएक्स बाई डी टी किसकी स्लोप थी, एक्स टी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होगी यार, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी तो स्लोप होगी इसकी। और अगर ये इसकी स्लोप है तो डीवी बाई डी टी होता क्या, मतलब कि इसकी स्लोप देख के अब मैं किस पे कमेंट कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन पे। क्या तू समझ पाया, नहीं समझ पाया? वीटी ग्राफ की स्लोप से अपन किस पे कमेंट करेंगे, एक्सेलरेशन से। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो आओ चलो देखते हैं। पहला ग्राफ यहां पर वी और यहां पर, बहुत अच्छे, बोलो भाई, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या टाइम बढ़ता जा रहा है? वेलोसिटी में कोई बदलाव है? मतलब क्या मैं यहां पर कह सकता हूं दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट? यार तुम्हें समझ ही नहीं आया, और जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट तब तब एक्सेलरेशन जीरो, यानी यहां पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो। क्या तेरे को ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? पक्का बोल। अच्छा पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। बोल ये बात भी समझ में आ गई? अबे ऊपर है ना इधर, नहीं दिखा ऊपर पॉजिटिव और नीचे, नहीं समझ में आता? चलो भाई दूसरा ग्राफ देखते हैं, आ जाओ। बताओ जल्दी सर, एक्सेलरेटेड है? अरे भाई देख हर पॉइंट पर थीटा क्या है, सेम है ना, हर पॉइंट पर थीटा सेम है, और टेन थीटा ही क्या होती है, स्लोप।
और इसकी स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन। तो क्या ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है? वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? अब वैसे भी दिख रहा है ना, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अरे नहीं दिख रहा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? पॉजिटिव, बोलो है कि नहीं? अच्छा, साथ ही क्योंकि सारे थीटा सेम है, ये लाइन कैसी है बच्चों? स्ट्रेट, मतलब कि यहां पर क्या होगा? कॉन्स्टेंट। पॉजिटिव तो है ही और साथ में क्या है? कॉन्स्टेंट। क्या हम लोग वेलोसिटी के लिए बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग? यार नहीं बोल सकते क्या? वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और है कैसी बच्चों? कैसी है? एंड इज पॉजिटिव। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट थोड़ी है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलो बना लो। यहां देख ले जल्दी से, बता क्या हो रहा है, बोलो जल्दी। क्या वेलोसिटी नेगेटिव है? अच्छा, एक्सेलरेशन देखो कॉन्स्टेंट है, पर क्या नेगेटिव है? वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी? देख वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहां पर हमने क्या बोला? वी इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग। अरे बोलो सही है क्या? सबको दिख गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। अरे बोल सही है क्या? एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कैसा है? कॉन्स्टेंट। क्या आप लोग समझ पाए? नहीं समझ आया? अरे आया होगा ना। चलो चौथा बनाते हैं, आ जाओ। आओ भाई। अरे बकवास नहीं, चलो तुम लोग कमेंट करो। अरे लड़कियों, हाँ चलो लाइक हो गया, आप कमेंट करो। चलो जल्दी बता, एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। अरे बोलो, अरे बात फेंक दूंगा उठा, मजाक नहीं कर रहा, शायद दो लोगों की सहायता लेनी पड़े और फेंक दूंगा। चुप रहे, ध्यान से। क्या जब जब ऐसा कर्व दिया होता है हम लोग तीन पॉइंट पकड़ लेते थे? ऐसे पकड़ते थे, इस वाले पॉइंट पे भी स्लोप डालते थे, इस पे भी स्लोप डालते थे और इस पे भी स्लोप डालते थे। बोलो डालते थे कि नहीं? इसको बोलते थे थीटा वन, इसको बोलते थे थीटा टू और इसको बोलते थे थीटा थ्री। जल्दी बोल, एक चीज जो तेरे को शायद दिख गई होगी कि V1 जो है वो V2 से बड़ी है और V2 से भी बड़ा कौन है? ऐसा है? उल्टा है ना इसका? इसका उल्टा है ना? अबे वेलोसिटी ऊपर बढ़ रही है ना, तो यहां पर क्या बोला? V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, बोलो है कि नहीं? अच्छा, स्लोप से हम लोग किस पे कमेंट करते हैं? एक्सेलरेशन पे। यानी अगर मैं बोलू A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3, तो क्या सही होगा? बोल सही होगा कि नहीं? भाई A3 सबसे बड़ा है, A2 उससे छोटा और A1 सबसे छोटा, बोलो है कि नहीं? क्या थीटा जो है इट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्सेलरेशन है कैसा? पॉजिटिव, बोलो है कि नहीं? क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है? वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ ही रही है? पर क्या आप बढ़ने की रेट कॉन्स्टेंट है? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं, इस बार वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी इंक्रीजेस किस तरह से? नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे बढ़ रही है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्मली। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन यहां पे कॉन्स्टेंट नहीं है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यार कुछ समझ नहीं आया तेरे को? आया कुछ कुछ समझ में? वेलोसिटी बढ़ रही है एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्या? है कि नहीं? नहीं। करो,
अरे पल्टी पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है साले। अब यार ये तो तुम्हें ही रीड करना है ना, ओ ए बी, बोलो सही है क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट, साथ में ये पॉइंट और ये पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। मान ले ये वाला टाइम क्या था बेटा, कोई टी नॉट, तेरी पोजीशन क्या थी इस समय, एक्स नॉट, हाँ सॉरी वेलोसिटी क्या थी आपकी इस समय, वी नॉट। सब लोग देख पा रहे हैं आपकी वेलोसिटी है बच्चों वी नॉट, और टाइम क्या है आपके पास में टी नॉट। चलो ये वाला टाइम मान लिया मैंने कुछ टी वन, क्या सब लोग देख पा रहे हैं। बात करते हैं हम लोग ओ से लेके ए तक की, ओ से लेके ए तक की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना, इससे कई कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे इस वाले पार्ट से। सभी लोगों का दिमाग यहाँ पे छपाई कार्य एक मिनट के लिए बंद कर दें और जल्दी से देखो, बहुत ध्यान ध्यान से देखते रहना। एक्सेलरेशन घट रहे के बढ़ रहे, घट रहे, इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाली, इस वाले पॉइंट पे भी स्लोप डाली, इस वाले पॉइंट पे भी स्लोप, इस वाले पॉइंट पे भी स्लोप और इस वाले पॉइंट पे भी स्लोप, क्या सभी लोग देख पा रहे हैं। यार एक तो बोलते नहीं हूं, सबको दिख रहा है ना, बोल ये एंगल ज्यादा के ये थीटा वन ज्यादा के थीटा टू, क्या थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, मतलब क्या ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, मतलब क्या एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, क्या ए पर वो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन घटते घटते ए पर क्या हो गया जीरो, ए पर एक्सेलरेशन क्या है जीरो, क्या सबको दिख गया। यार ये तो बोल दिख गया ना, चलो ए वन ए टू से बड़ा, ध्यान से देख एक्सेलरेशन जो है वो घट रहा है, क्या हो रहा है, पर वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ले मैंने कुछ शुरू किया विद 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने अपना मोशन इतनी वेलोसिटी के साथ में चालू किया, ठीक है। इनिशियली मेरा जो एक्सेलरेशन था मान ले वो था बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना इस वाली चीज को, अगले सेकेंड मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद, जल्दी बोल, अरे 12 हो जाएगी ना, अरे 10 से बढ़ जाएगी 12 हो जाएगी। अब बोल एक्सेलरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, तुम दोनों है ना हंसते रहो, मैं उठा के फेंक दूंगा, अब बहुत देर से देख रहा हूं, क्यों दिमाग खराब कर रहे, कितनी बार बोलना पड़ेगा, क्या बात है, कोई चुटकुला सुना रहे वापस, फिर बस हंस रहे हो खीकी खीकी इतनी देर से, साले पागल हो गए हो। और चलो हाँ यू कितनी हो गई बच्चों, अब 12, मेरी अब यू जो थी वो बदल के वी बन गई, और कितनी हो गई बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड, बोल हुई के नहीं। अगले सेकेंड एक्सेलरेशन बढ़ा के घटा, बढ़ा के घटा, घटा एक्सेलरेशन घटा, मान ले अब तेरा एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल अब वेलोसिटी क्या होगी, अब वी कितनी हो गई 12 से 8, 20 मीटर पर सेकेंड, बोल हुई क्या नहीं। वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, अरे वेलोसिटी के इंक्रीज होने की रेट कम हो रही है, वेलोसिटी के बढ़ने की जो रेट है वो कम हो रही है, वेलोसिटी थोड़ी कम हो रही है, इनिशियली 2 थी कितनी हो गई, एक्सेलरेशन कम हुआ ना तो उससे वेलोसिटी कम थोड़ी हुई, वेलोसिटी तो बढ़ी है, पर क्या बढ़ने की जो रेट है वो कम हो गई, नहीं समझ में आया। अब एक्सेलरेशन मान ले मैं बोलू हो गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगले सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, क्या 26 होगी, अबे देख 20 से 26 हुई है, घटी नहीं है, ये घटी है बड़ी, बड़ी, तो क्या एक्सेलरेशन घटने का ये मतलब है कि वेलोसिटी घटेगी, नहीं ना, क्या वेलोसिटी तो बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी देख पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी देख, दिख गया तेरे को दोनों पॉजिटिव हैं, क्या वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, बढ़ा रहा है, तो क्या यहाँ पे मैंने देखा मेरी वेलोसिटी जीरो से लेके किसी वी नॉट तक पहुंच गई, यानी ओ से लेके ए तक मोशन एक्सेलरेटेड है डेसेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड, कैसा मोशन है ये, एक्सेलरेटेड, बस फर्क कहां पड़ा के वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कम होती रही, यानी एक्सेलरेशन क्या होता रहा, डिक्रीज होता रहा, पर वो वेलोसिटी को तो क्या कर रहा था, बढ़ा ही रहा था ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या थी बच्चों सेम, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
कि ओ से ए में मोशन इज कैसा, एक्सेलरेटेड है कि नहीं, बट रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आई? याद कर मैंने तेरे को स्टार बना के एक पॉइंट लिखवाया था जब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि डिक्रीज इन एक्सेलरेशन डज नॉट मीन वेलोसिटी विल डिक्रीज, बताया था ना तेरे को, वही वाली चीज। क्या आप लोग समझ पाए? चलो अब ए से लेके बी की कहानी, अभी छापना मत, ए से लेके बी की कहानी देख ले पहले। ए से लेके बी की कहानी में बोला एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? अबे बढ़ रहा है, स्लोप देख लेना कहां ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये, यहां पे बच्चे को बिठाएगा तो धीरे आएगा कि तेज, यहां वाला तेजी से आएगा ना, मतलब एक्सेलरेशन यहीं पर ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? तो क्या अब वेलोसिटी पॉजिटिव है? अरे वेलोसिटी कैसी है? पर देख थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो गया। थीटा कैसा हो गया बेटा? ग्रेटर देन 90, मतलब कि टेन थीटा कैसा हो गया? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया? नेगेटिव। और क्या नेगेटिव में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? नेगेटिव में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सुनना अभी मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं। मैंने कहा कि ए के ऊपर तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो, इसके बाद की कहानी ए टू बी, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बोल है कि नहीं? अच्छा वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है भाई, पहले क्वाड्रेंट में है तो वेलोसिटी अभी भी कैसी है? पॉजिटिव है कि नहीं? अब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, बोल सही बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव है परंतु वी कैसी है? अभी भी पॉजिटिव। तो हम क्या यहां पर बोल सकते हैं? देयरफॉर वी डिक्रीजेस। अब बेटा अपने को यह देखना है कि वी जो डिक्रीज हो रही है उसके डिक्रीज होने की रेट कैसी है। वी तेजी से डिक्रीज हो रही है या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है? ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। मान ले मेरी वो जो वेलोसिटी थी वो थी कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी थी बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो वी नॉट लिखा है ना वो कितनी है हमारे पास में? 20 मीटर पर सेकेंड। मान ले जो एक्सेलरेशन था उस समय हमारे पास में वो तो था जीरो, अगले सेकंड मान ले आपका एक्सेलरेशन हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि वेलोसिटी अगले सेकंड कितनी? क्या बेटा 18 मीटर पर सेकंड? अरे यार होगी पक्का। चलो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या तेरा एक्सेलरेशन जो है अब वो मान ले हो गया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगले सेकंड वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी कितनी? 12 मीटर पर सेकंड, बोलो है कि नहीं? बोल है कि नहीं? क्या वेलोसिटी के घटने की रेट बढ़ रही है? वेलोसिटी के घटने की रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? एक्सेलरेशन नेगेटिव तो हो रहा है और साथ में और नेगेटिव होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? वो और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? तो हम लोग ने यहां पर क्या बोला? ए से बी में द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी के घटने की रफ्तार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमने इधर यही बोला कि वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ कैसी रेट बच्चों? फास्टर पेस, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है? क्यों? बिकॉज बोलो भाई, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस कौन सी डायरेक्शन में? इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यार तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है ना? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, एक बार घर पे आके दोबारा पढ़ेगा तेरे को सारी चीजें समझ आएंगी, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? इतना लिखो, आगे चलते हैं। इसे नंबर लाइन पे बताऊं तेरे को और क्लैरिटी आएगी, चल नंबर लाइन पे देखते हैं। देखना बताना वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ चल दूं? चलो यहां से शुरू हुआ, मान ले टी जीरो पे एक्स जीरो था, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स के अंदर ट्रेवल कर लूं। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव था पॉजिटिव था? पॉजिटिव ही था। कैसा था बेटा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर। क्या मैं इस तरह से जाऊंगा? एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड?
एक्सेलरेटेड। अच्छा, ए से बी का मोशन कैसा है? क्या रिटार्डेड है? ए से बी को हम लोग बोल सकते हैं ना, ये रिटार्डेड है, बोल सकते हैं। ए से बी कैसा मोशन है बच्चों? रिटार्डेड। तो ये अपना पार्टिकल कहां पहुंचा बच्चों? किसी पॉइंट बी ए पर। कहां से चला था? ओ पे, और कहां पहुंच गया? ए पर। चलो आगे देखते रहना, बढ़िया चीज है, आ जाओ। क्या बोल लेना, टाइम बोल ले, टी नॉट और क्या, पॉइंट बना रहा हूं ना मैं ए। तो चलो, ओ से चला, कहां पहुंचा बच्चों? ए पर। कितने टाइम में? कितने टाइम में? टी नॉट। अब एक चीज बता, पार्टिकल पलट थोड़ी रहे, वेलोसिटी कैसी है अभी भी? पॉजिटिव। तो क्या यहां से भी वो जाएगा तो सीधा ही, या पलट जाएगा? अबे सीधा जाएगा ना। अगर वो सीधा जाएगा तो क्या अब यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? आफ्टर ए उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होना चालू हो रही है। आगे गया और मान ले जो पॉइंट बी था बेटा, ये वहां पर आ चुका है। पॉइंट बी कितने टाइम पर था? टी वन। अब ध्यान से देख बहुत अच्छे से, बी पॉइंट पर जल्दी से देख, बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो। यही तो इसकी खास बात थी कि बी पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है वो पॉइंट क्या होता है? तो क्या बी पॉइंट इज योर पल्टी पॉइंट? नहीं समझ में आया? आया तो हम लोगों ने बी पॉइंट को क्या बोला बच्चों? यहां पे पल्टी पॉइंट। और पार्टिकल की वेलोसिटी देख नीचे चली गई, पार्टिकल की वेलोसिटी कहां चली गई? नीचे, यानी कि नेगेटिव में। तो मैंने यहां से इसको नेगेटिव डायरेक्शन दे दिया, बोल दे सकता हूं। तो बेटा जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो रही है वही पॉइंट क्या है आपका? पल्टी पॉइंट। क्या हम इस वाली बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? समझ पा रहे हो ना? तो बी पॉइंट पर पार्टिकल ने पल्टी मारी कुछ इस तरह, देख पा रहे हो? नहीं दिखा, बनाओ इसे। यहां से यहां तक कैसा था ये? एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। इसके बाद में कैसा था बच्चों? ये रिटार्डेड। इसके बाद में कैसा था, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? वेलोसिटी नीचे बढ़ती जा रही है भाई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है वो तो दिख ही गया आपने को, और उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो रही है? नीचे बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो क्या इसके बाद का मोशन जो है वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा कि नहीं? बनाओ। क्या बेटा? कौन से पॉइंट पर? बी पर। चलो आओ, छाप लिया होगा, जल्दी से आओ। देखो जल्दी आओ। करो जल्दी से कमेंट। अरे मैं जाने नहीं दे रहा अभी बेटा, अभी बहुत सारा पढ़ाऊंगा। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो पढ़ाऊंगा। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ हाँ, अरे मेरे को मत बता, एक बजे दुनिया की कोई मैच बंद नहीं होती, समझ गया? हर साल चलो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर आगे की कहानी, रिटार्डेशन, कंटिन्यू रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ध्यान से देखो सभी लोग, सब लोग इधर देखो, बातें बंद, इधर देख लो भाई। यहां पर देख क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर स्लोप डाल, थीटा कैसा है? ग्रेटर देन 90। यहां पर भी देख, क्या सेम थीटा है? ग्रेटर देन 90। आगे भी देख, सेम थीटा है, ग्रेटर देन 90। अरे देख पा रहे हो? थीटा ग्रेटर देन 90 यानी टेन थीटा लेस देन जीरो, बोल हुआ कि नहीं? मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। बोल हुआ कि नहीं? एक्सेलरेशन नेगेटिव, सबको पता लग गया। अच्छा देख, वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है ना, यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वेलोसिटी डिक्रीजेस। बट बेटा कहां तक डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी? कहां तक डिक्रीज हो रही है? सिर्फ टी नॉट तक। अच्छा देख, टी नॉट अगर अपन लोग बहुत ध्यान से देखें तो टी नॉट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। जहां वेलोसिटी जीरो वहां पर
पल्टी पॉइंट। तो क्या दिस इज द पॉइंट जहां पर की पीपी हो रहा है, यहां पर क्या पल्टी मारी जा रही है? नहीं समझ में आया? अरे बोल यार, क्या टी नॉट जो जगह है, इट इज द पॉइंट जहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल पल्टी मार रहा है, बोल मार रहा है कि नहीं? अच्छा पल्टी मारने के बाद देख, क्या इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई? क्या एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है? और क्या, नेगेटिव ही तो है बेटा। वेलोसिटी कहां चली गई? नीचे चली गई ना। तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव दिख रही है? क्या एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है? वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? अब बढ़ेगी। तो बेटा एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव था, इनिशियली वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव, इसीलिए वो क्या हो रही थी, घट रही थी। टी नॉट के बाद में क्या हुआ? आफ्टर टी नॉट क्या हुआ बच्चों? वेलोसिटी इंक्रीजेस। कौन सी डायरेक्शन में? इन द नेगेटिव डायरेक्शन। बोलो सही है क्या? और रेट क्या है बच्चों? एट अ कॉन्स्टेंट रेट। बोलो है कि नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी कैसा है? नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। बोलो है कि नहीं? क्या यहां पर भी नेगेटिव और कॉन्स्टेंट था? यार एक तो बोलते नहीं हो, यहां पर भी नेगेटिव और कॉन्स्टेंट ही था ना, वही कहानी यहां पर। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसीलिए एक्सेलरेशन की वजह से वो घट रही थी, है ना? ध्यान रखें, दिस पॉइंट इज योर पल्टी पॉइंट। अगर इसे नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? बोलो, पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी है, किसी वी नॉट से शुरू हुआ, मान ले यहां से शुरू हुआ किसी वी नॉट से, रिटार्डेशन हुआ या एक्सेलरेशन हुआ? इनिशियली रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेशन? टी नॉट तक क्या था? रिटार्डेशन। मैंने कहा ये पार्टिकल गया किसी टाइम टी नॉट तक, क्या हुआ इसके साथ में? रिटार्डेशन। बोलो हुआ कि नहीं? अरे यार, किसी टाइम टी नॉट तक क्या हुआ? रिटार्डेशन। यहां पर क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। बोलो सही है, जहां वेलोसिटी जीरो वहां पे पार्टिकल क्या करता है? पल्टी मारता है। पल्टी मारी और उसके बाद में वापस पीछे की तरफ चल गया। बोलो चला के नहीं? अरे चला के नहीं? चलो आगे चलते हैं। चलो अभी अभी इन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि सर जैसे आपने एक्सपी के अंदर इस तरह के ग्राफ बनाए थे ना, एक ऐसा वाला एक ऐसे वाला बनाया था ना, एक ये हंसता हुआ चेहरा और एक रोता हुआ चेहरा, दिखा के नहीं? अरे है कि नहीं? अरे ये कौन सा चेहरा है? रोता हुआ। और ये नीचे वाला कौन सा चेहरा है? हंसता हुआ। बोलो है कि नहीं? इसमें अगर आंख बना देंगे तो हंसता हुआ हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? रोता हुआ। अरे स्माइली नहीं बनाते क्या तुम लोग? बस तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीटी ग्राफ में आप इसको एनालाइज कर पाए। वीटी में मैंने ये वाला तो बता दिया तेरे को, ये वाला आप लोग एक बार खुद से कोशिश करें, अच्छा लगेगा। अभी हम लोग बात करते हैं एटी ग्राफ की, आ जाओ। देखो भाई एटी ग्राफ के अंदर क्या होता है, इसकी स्लोप क्या होगी? डीए बाई डीटी। पर डीए बाई डीटी कोई क्वांटिटी पढ़ी है क्या हमने? नहीं पढ़ी। देख बेसिकली जो ये डीए बाई डीटी जो होता है ना, जो कि किसकी स्लोप होती है बच्चों? एटी ग्राफ की स्लोप। ये हम लोगों को जर्क का आइडिया देती है। इसका आइडिया जर्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है, बस वैसे ही स्टाइल मार रहा हूं। किसका आइडिया देती है बच्चों? ये जर्क का। अगर कोई कभी पूछ लेना तुमसे, अगर कोई कभी कुछ पूछ ले कि यार ये डीए बाई डीटी क्या होता है, तो ऐसे चुप मत हो जाना। क्या बोलोगे? किसका आइडिया देती है? जर्क यानी कि झटका। किसका आइडिया देती है? वो वाला जर्क नहीं आया। ये क्या है बच्चों? झटके का आइडिया। समझ गए मेरी बात? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोगों को तब बताऊंगा जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? सेंटर ऑफ मास। अभी हम लोग घुसते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स में, जो कि हमारे जीवन के सबसे आसान ग्राफ्स होते हैं। आओ जरा देखें एटी ग्राफ में। पहला देखो भाई, ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया? टाइम। चलो जल्दी देखो, बातें नहीं गेंडाल बातें मत कर, इधर देख। ये क्या है? जल्दी बोल, क्या बोलूंगा इसको? क्या कॉन्स्टेंट है? अरे जर्क की बातें मत करो। क्या एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? अरे दिख तो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या है? वही है। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया? ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और क्या है बच्चों? पॉजिटिव भी है। अरे कैसा है बच्चों? ये पॉजिटिव भी है। और क्या है ये? कॉन्स्टेंट। क्या टाइम बढ़ता जा रहा है? क्या एक्सेलरेशन उतना ही है, उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमने यहां पर क्या बोला? एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव। बोलो सबको क्लियर है?
चलो अगला देखते हैं, सेकंड नंबर। बोलो भाई, क्या नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट? भाई यहाँ पे पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे इसके अंदर क्या है भाई, किसको नहीं आया बोलना जरा, किसको नहीं आया बोल, समझाता हूं मैं। अब पूछ नहीं रहा साले, वैसे नो बोल रहा था। हाँ क्या चीज नहीं आई और क्या है? तो एक्सेलरेशन और टाइम ही तो है, इसमें वेलोसिटी कहां से देगा तू? कुछ भी मतलब है, हाथ खड़ा करके कुछ पूछना है मतलब है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बोलो है कि नहीं? मैंने यहां पर क्या बोला, एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। एंड कैसा है वो? इंक्रीजिंग है। अच्छा एक चीज बता, ये वेलोसिटी पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है? ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म नहीं बे, नॉन यूनिफॉर्म। अबे यूनिफॉर्म कब? यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? ये तो बढ़ रहा है ना, यानी अगर मान ले टी इज इक्वल टू वन के ऊपर एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अबे बढ़ने की रेट इसकी कॉन्स्टेंट है, बढ़ने की रेट क्या है इसकी? कॉन्स्टेंट। बोल वो चीज दिख गई तेरे को? चलो तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ में कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, बोल बढ़ रहा है कि नहीं? मतलब कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी तरह की हो सकती है? 2 तरह की, आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग है, पहले तो ये देखा एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, यानी कि कैसा हो गया बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म, बोलो हुआ कि नहीं? अरे यार बोल ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग वेलोसिटी के 2 केस लेते हैं। इफ v इज इक्वल टू पॉजिटिव, बोल अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी कैसी है? पॉजिटिव। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। अच्छा बता, वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कॉन्स्टेंट है क्या? वेलोसिटी के बढ़ने की रेट मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट थोड़ी है यार। तो वेलोसिटी जो बढ़ेगी क्या वो फास्टर रेट से बढ़ेगी? नहीं समझ में आया? वेलोसिटी के बढ़ने की रेट अगर कॉन्स्टेंट होती तो वेलोसिटी कैसे बढ़ती? 2 से जाती 4, 4 से जाती 6, 6 से जाती 8, 8 से जाती 10। पर यहां क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पहले था 2, तो 0 से कितनी हुई 2, फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया 4, तो 2 से कितनी हो गई 6, बोल तेरे को दिखा? तो क्या वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कैसी है? कॉन्स्टेंट नहीं है। वेलोसिटी के बढ़ने की रेट भी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, बोल है कि नहीं? तो हमने क्या बोला, वेलोसिटी विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। बोलो आपको ये बात समझ में आई? अरे बोलो यार, वेलोसिटी कैसे बढ़ी बच्चों? एट अ फास्टर रेट। अब मैंने कहा कि इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, वेलोसिटी कैसी है? दोनों सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब जब होंगे वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वेलोसिटी विल डिक्रीज, और बेटा उसके घटने की रेट क्या है? क्या तेज है? घटने की रेट क्या है उसकी? तेज। तो हमने क्या बोला, वेलोसिटी विल डिक्रीज एट अ फास्टर रेट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। हाँ अपने को पता थोड़ी है पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपने को तो सिर्फ एक्सेलरेशन पता है पॉजिटिव है, ठीक है? चलो इतना बनाओ जल्दी से। क्या बेटा क्या बताएगी स्ट्रेट लाइन? क्या बता रही है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट तो वो हो गया ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, बढ़ रहा है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म का मतलब सेम है, ये तो हर टाइम पर अलग अलग है ना, है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ, हमेशा 2 रहेगा क्या? हाथ नीचे कर,
हमेशा कितना रहेगा, दो नहीं रहेगा ना, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, ऐसे बढ़ रहा है ना। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम देख, क्या यहां पर इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं रहा भाई? पिछले वाले के अंदर क्या एक्सेलरेशन के बढ़ने की रेट ऐसे थी कि दो से कितना हो रहा है चार, चार से कितना हो रहा है छह, छह से कितना हो रहा है आठ, ऐसे बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है, दो से हो रहा है चार, चार से हो रहा है दस, दस से क्या हो रहा है बीस, बीस से क्या हो रहा है तीस, सॉरी हाँ तीस से ज्यादा ही होगा ना, बत्तीस, बत्तीस से क्या हो रहा है सीधे पचास। तो मतलब एक्सेलरेशन के जो बढ़ने की रेट है वो कॉन्स्टेंट नहीं रही, वो अब कॉन्स्टेंट नहीं है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, नजर आया तुम लोगों को? भाई स्ट्रेट लाइन थी तब तो हमने क्या बोल दिया कि अगर सेकंड एक होगा तो एक्सेलरेशन भी एक होगा, अगर सेकंड दो होंगे तो एक्सेलरेशन दो होगा। बोल सब लोग देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अरे देख पा रहे हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास होती हुई, ओरिजिन से। सबको दिखा? अरे बोले यार, अरे नहीं दिखा, दिख गया ना सबको? चलो अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या यहां पे कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ये? क्या यहां पर इसके बढ़ने की रेट कांस्टेंट है? नहीं। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव है कि नहीं, एंड इंक्रीजेज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। कैसी रेट से बढ़ रहा है बच्चों ये? नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? अरे देख पा रहे हो बेटा, बोला नहीं है ना तो उठा के फेंक दूंगा, बोलो देख पा रहे हो कि नहीं? बेटा अभी 12:50 भी नहीं हुए, ज्यादा रो मत, जबरदस्ती अभी हुए हैं 12:50 इधर। चलो जल्दी से यहां देख, अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सबको दिखा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या वो बच्चों बढ़ रहा है भाई? बढ़ते हुए भी दिख गया। दूसरा बोलो, कोई बात नहीं करेगा, सुन ले मेरी बात, क्या उसके बढ़ने की जो रेट है वो अब नॉन यूनिफॉर्म हो चुकी है? Yes, चलो भाई उसके बढ़ने की रेट हो गई नॉन यूनिफॉर्म, ये हमारे को सब चीजें पता लग गई। तो अब बता, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होती तो क्या वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती? Yes, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती तो क्या वो ज्यादा तेजी से घट रही होती? Yes, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, वेलोसिटी पॉजिटिव अगर है, वेलोसिटी अगर कैसी है पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीजेस एट अ फास्टर पेस, या फिर एक फास्टर रेट लिख देता हूं, है ना? और अगर मैंने कहा इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस एट अ फास्टर रेट। बोलो सही है क्या? नहीं समझ में आ रहा? चलिए हाँ, वो पता है मुझे क्यों बोल रहे हो तुम। चलो चलो, अरे इस पे कमेंट करो, बकवास नहीं। कमेंट कर जल्दी, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तीन नॉट तक तो पॉजिटिव है, वेरी गुड। अब अरे तू नीचे बैठ, हाँ वेरी गुड। और ये कैसे पता, वेलोसिटी तो अपन मान सकते हैं, अगर पॉजिटिव थी तो थोड़ी बोलेंगे। अरे बकवास नहीं पीछे, एक मिनट, हाँ भाई गेंडे तू बोल, खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो, सब लोग चुप रहेंगे। तुम ही लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मैं तो चार घंटे तक भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अरे गेंडा इधर देख, बता। हाँ भाई बोल, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, अच्छा। और अरे सब लोग सुन लो, हाँ
एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। और ये तो बता टी नॉट पे क्या हो रहा है, सब लोग चुप। वेरी गुड, एट टी नॉट क्या हो गया बेटा, एट टी नॉट एक्सेलरेशन इज, अरे चुप रे बैठ जा, टी नॉट पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, और आगे बोल टी नॉट के बाद, बैठ जा। अरे सब लोगों को दिख रहा है, इनिशियली एक्सेलरेशन क्या था, ए नॉट, इनिशियली एक्सेलरेशन क्या था, ए नॉट से क्या हुआ वो जीरो, कितने टाइम में टी नॉट, क्या उसके बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, अरे भैया बढ़ रहा है, इनिशियली घटा पर टी नॉट के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव में। तो देख अगर इसको हम लोग कोशिश करें, ऐसा मान लेते हैं कि वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, ऐसा मान के चलते हैं कि वेलोसिटी कैसी है बच्चों, पॉजिटिव। ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ के कोशिश कर लो, आ जाओ। चलो मान ले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या, ये वाली डायरेक्शन। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो से लेकर टी नॉट तक कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेलोसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, क्योंकि बेटा इस वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, बोलो है कि नहीं, यानी कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही होगी घट रही होगी, तो क्या इसे एक्सेलरेटेड लिख दूं, लिख सकता हूं ना। तो हमने कहा कि जीरो से लेके किसी, बेटा एक उल्टे हाथ का पड़ेगा बहुत बुरी तरह से पिटेगा, इधर देख, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन या डेसिलरेशन, एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी मानी हमने, और एक्सेलरेशन भी बच्चों यहां से यहां तक कैसा था, पॉजिटिव, सबको देखा। चलो आगे की कहानी देखो, टी नॉट के ऊपर एक्सेलरेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो हो गया, क्या हो गया बेटा जीरो, और उसके बाद में एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का ये मतलब थोड़ी है कि वेलोसिटी पीछे हो गई होगी, अरे यार मैं जब बोल रहा हूं ना मत बोला कर, किस तरह से समझाऊं, चुप नहीं रह सकते। चलो बेटा यहां से यहां तक क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी या घट रही थी, बॉटल मेरे को ला इधर दे, चलो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन था डेसेलरेशन था, एक्सेलरेशन था, सबको दिख रहा है। अगर बेटा यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है, यानी इस पॉइंट पर क्या कोई नई वेलोसिटी होगी, मान ले V1, क्या मान ली बच्चों, V1 वेलोसिटी अब मैं अचीव कर चुका हूं, क्या करके, एक्सेलरेशन करके, रिटार्डेशन करके, एक्सेलरेशन करके। इसके बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, पर क्या वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव ही है, क्या हम जानते हैं मूविंग बॉडी हमेशा वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में जाती है, याद करो बताया था, ऐसा थोड़ी होता है ब्रेक लगाया बॉडी पलट गई, ऐसे नहीं होता ना, तो क्या ये अभी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, पर क्या अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, नहीं समझ आ रहा। तो अब इसके आगे मान ले जब तक भी ये ट्रेवल कर रहा है, मान ले वो वाला टाइम था कोई T1, क्या टाइम था बच्चों ये T1, तो T1 टाइम तक क्या इसके साथ में रिटार्डेशन होगा, तो इसके आगे की जर्नी कैसी है बच्चों, रिटार्डेशन वाली, बोलो है कि नहीं, अरे समझ में आया। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम कैसा आएगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, पर हमें उस टाइम से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये पार्टिकल कहीं पलट नहीं रहा, क्या ये पार्टिकल पलट रहा है, नहीं पलट रहा ना, अरे सबको दिख रहा है, चलो भाई। तो ये इस तरह का कुछ मोशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ हाँ यहाँ से लेके यहाँ अप टू टी नॉट, बेटा यहाँ कितना था, यहाँ कितना हो गया जीरो, तो फिर डिक्रीज हुआ ना, है ना, इसके बाद में बढ़ रहे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ से यहाँ तक अब वेलोसिटी डिक्रीजिंग, जीरो पे कमेंट नहीं कर रहे अभी, अरे क्या पता किसी टाइम पे हो जाए, हमें वो वाला टाइम पता नहीं है ना, अगर मेरे को ऐसा दिया हुआ होगा, अरे कोई नहीं बजाएगा बेंच,
अगर मेरे को ऐसा दिया हुआ होगा कि टी वन पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तभी तो जीरो करूंगा, जबरदस्ती थोड़ी ना जीरो करूंगा। समझ रहा है मेरी बात? कौन सा वाला पार्ट बेटा? ये इनिशियली बोल, वेलोसिटी तेरी बढ़ रही है कि घट रही है? वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी कैसा है? पॉजिटिव। क्या एक्सेलरेशन का घटना वेलोसिटी को भी घटाता है? नहीं, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। तो बेटा क्या वेलोसिटी बढ़ेगी अप टू टी नॉट? अच्छा, टी नॉट के बाद एक्सेलरेशन देख कैसा हो गया? नेगेटिव। पर वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में रहेगी, पर अब एक्सेलरेशन किधर लगने लगा? पीछे की तरफ। बोल लगा के नहीं, तो क्या वो धीरे धीरे अब तेरी वेलोसिटी को कम करने लगेगा? अरे करेगा कि नहीं? अच्छा, ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्या? क्या ये नॉन यूनिफॉर्म है? पर क्या इसके घटने की रेट यूनिफॉर्म है? हमेशा देखना एंगल डाल, अरे एंगल बना के देख सकता है ना, सारे थीटा सेम आएंगे, मतलब इसके घटने की जो रेट है वो क्या है? कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर इनिशियली चार था, अगली बार क्या हुआ बेटा? दो। अगली बार क्या हो गया? जीरो। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगली बार क्या हो गया? माइनस दो। अगली बार माइनस चार। क्या इस तरह से चलेगा? अरे आप लोग समझ पा रहे हो? इसके घटने की रेट क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट। यानी दो 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 से। अरे भैया किसने बोला जाने को? बैठ जाओ चुपचाप। बोला मैंने जाने को अपने हाथ से ही। एक तो वो भी चला गया अपने हाथ से निकल के साला बिना पूछे। तो मेरे को नहीं लग रही, बोलिए वाली बात समझ में आई? चार से दो, दो से जीरो से माइनस दो। क्या बेटा ये कॉन्स्टेंट रेट है? पर क्या हमने वो जो कर्व वाला बनाया था उसमें रेट कॉन्स्टेंट थी? नहीं थी ना। चलो बनाओ इसे। ले लो वेलोसिटी नेगेटिव। चलो करते हैं, आओ। v इज इक्वल टू नेगेटिव। चलो बकवास नहीं, इधर देखो। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो बता जीरो से टी नॉट तक एक्सेलरेशन कैसा था? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेलोसिटी कैसी बोल रहे हो आप लोग? नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी? तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, तो क्या यहां से लेके यहां तक का जो मोशन होगा वो रिटार्डेड होगा? वो क्या होगा बच्चों? रिटार्डेशन होगा कि नहीं? ये मोशन आ गया हमारे पास रिटार्डेशन। कौन से टाइम तक? टी नॉट तक। बोल होगा कि नहीं? अब अगर मान ले, अगर वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पर क्या हो रही है? जीरो। क्या हो रही है? जीरो। तो क्या जीरो होने के बाद पार्टिकल पलटेगा? पलटेगा कि नहीं? नहीं समझ आ रहा। पलटने के बाद क्या होगा भाई? इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन कैसा है? वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। यानी यहां से लेके यहां तक का मोशन कैसा हो गया? रिटार्डेशन। क्या आप लोग ये बात समझ पाए? इसके बाद में क्या हुआ? एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। और वेलोसिटी भी कैसी थी? मतलब वो यहां से पलटेगा क्या? पलटेगा नहीं, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। और क्या हो जाएगा अब? एक्सेलरेशन। अब क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव थी और एक्सेलरेशन भी अब कैसा हो गया? नेगेटिव। हाँ, जीरो से ही चालू कर रहा हूं मैं तो। भाई मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि पार्टिकल जो था टी जीरो पे एक्स जीरो पे मौजूद था, तो हमने इसीलिए सब एक्स जीरो से बना लिया, एक उधर का एक इधर का। ठीक है, नजर आया कि नहीं सबको? इनिशियली क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सेलरेशन ही नेगेटिव हो गया, तो वो नेगेटिव वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव। क्या आप लोग समझ पाए? वो यहां पे हो रहा है। आफ्टर टी नॉट क्या हो गया? एक्सेलरेशन। टी नॉट से पहले रिटार्डेशन। देख वहां पर भी वही था, वहां उल्टा ही साथ था, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। क्या उसका जस्ट ऑपोजिट यहां पर हो रहा है? हाँ, रिटार्डेशन चल रहा है ना। मान ले यहां पर थी माइनस वी नॉट, यहां हो गई माइनस वी वन। अब ये माइनस वी वन से बढ़ती रहेगी। हाँ, तो क्या वेलोसिटी बढ़ गई ना कुछ? माइनस वी वन हो गई, मतलब क्या हो गई? कम हो गई, सॉरी, माइनस वी नॉट से कोई माइनस वी वन हो गई, जो कि कम वेलोसिटी थी। ठीक है,
रिटार्डेशन था इसलिए। हाँ बोलो, आया कि नहीं? सभी लोगों को आया? आज घर पे जाके ग्राफ वाले जो सवाल दे रखे हैं उनको पूरा कर लेना, ठीक है?